शफकत महमूद को कहना पड़ेगा ये तो आपको। ठीक है, तो भाई हम कुछ चीजें रह गई थी हमारी जो आप लोगों ने देखी होंगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा डेप्स के साथ शेडोज आ रहे होंगे, जो लेआउट आपको दिया होगा उसमें डेप्स के साथ ना शेडोज आ रहे होंगे साइड में, बहुत माइनर माइनर से। ठीक है, तो वो कुछ चीजें रह गई हमारी। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने वो टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह भी आपको नहीं आए होंगे अभी तक बनाने के लिए। ठीक है, तो वो फॉर्म्स पे किस तरह से काम होता है, यहाँ पे किस तरह से बनते हैं वो टेक्स्ट बॉक्सेस, वो भी देखेंगे। बहुत आसान होता है वैसे तो, बट उसको जरा से गो थ्रू करेंगे। ठीक है, पहले वो डेप्स का शेडो जो है ना वो देख लेते हैं। असल में ना वो जब ये मुझे बता दो, फ़ॉन्ट ज्यादा छोटा तो नहीं है, सबको नजर आ रहा है? ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, तो असल में ना वो बीएमसी की वजह से मुझे रेजोल्यूशन इतनी कम करनी पड़ती है, सारा डिस्प्ले अजीब सा आ रहा होता है। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब ना मुझे नॉर्मल डिस्क को, पहले तो डिस्क को कोई अपेयरेंस देनी पड़ेगी, तो बाय डिफॉल्ट डिस्क की विड्थ कितनी होती होगी? 100%। बट मुझे इसको कोई जना पिक्सल्स में कुछ दे देते हैं ताकि हमारे लिए विजिबल हो जाए। हाँ, 300 दे देते हैं। असल में तो विड्थ तो 100% होती है, बट कोई हाइट नहीं होती ना, इसलिए हमारे लिए डिव जो है वो विजिबल नहीं हो पाती। तो इसको भी लेट से 300 पिक्सल दे देते हैं। और बैकग्राउंड कलर, सेव कर देते हैं भाई। और लेसन नंबर 6, बॉक्स शेडो के नाम से बना रहे हैं फिलहाल इसको। अभी आप लोग समझ जाओगे बॉक्स शेडो क्यों नहीं करूंगा यहाँ पे। इसको देख लेते हैं पहले प्रीव्यू करके। मसला यहाँ तक, थोड़ी सी मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन टॉप भी दे देते हैं। ये भी समझ गए होगे कि मार्जिन देने का मतलब क्या होता है, टॉप और यानी बेसिकली चारों तरफ से मार्जिन अप्लाई हो जाएगी। तो मैंने इसको 100 कर दिया। ठीक है, अब मुझे इस पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, देखना। बॉक्स शैडो, और ये ना कुछ पैरामीटर्स रिक्वायर करते हैं कि मैं इसको कुछ पैरामीटर्स पास करूं और देन ये वर्क करे। तो जिसमें टेन पिक्सल्स तो आपने देखा कि हमने कलर ब्लू सेलेक्ट किया, तो कौन सा शेडो आ गया? ब्लू शेडो आ गया। बिल्कुल, मैं बताता हूँ जरा, आप चेंजेस देखिएगा। मैं इसको माइनस करता हूँ, मैंने शेडो अप्लाई करना है ना चारों तरफ, तो मैं ये चेंजेस बता रहा हूँ कि क्या होगा। राइट साइड पे मतलब पहला पैरामीटर कहाँ पड़ जा रहा है मेरा? हॉरिजॉन्टल, अगर मैं शेडो देना चाह रहा हूँ हॉरिजॉन्टली, अगर मैं अपनी डेस्क को या जो भी मेरा लेआउट है, ठीक है, कोई बटन है, लेट से मैं बटन को देना चाह रहा हूँ शेडो, कोई टेक्स्ट बॉक्स है, लेट से मैं टेक्स्ट बॉक्स को देना चाह रहा हूँ, कोई टेक्स्ट है, लेट से मैं उसको देना चाह रहा हूँ। ठीक है, टेक्स्ट को तो खैर शेडो नहीं दिया जाता, वो टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी अलग होती है। बट लेट से कि मैं किसी डेस्क को शेडो देना चाह रहा हूँ, तो पहला पैरामीटर कौन सा होगा मेरा, लेफ्ट या राइट का? अगर आप प्लस की वैल्यू देंगे तो क्या होगा, शेडो किस तरफ फॉर्म होगा? राइट साइड पर। बेसिकली आप लोगों ने एक्स और वाई एक्सिस तो पढ़े होंगे ना अभी बचपन में,
तो ये पहला वाला जो पैरामीटर है ना वो एक्स एक्सिस पे शेडो जरा को फॉर्म करेगा, और वाली वैल्यू प्लस में होगी तो आपको पता है कि राइट साइड की तरफ एक्स एक्सिस चलता है, और वैल्यू माइनस में होती है तो एक्स एक्सिस की तरफ चलता है लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है, आपकी लेफ्ट साइड की तरफ ना वो चलता है। तो अभी आप देखो ना फॉर्म तो हुआ हुआ है, नीचे की तरफ फॉर्म हुआ हुआ है, ये जो सेकंड पैरामीटर है ना ये वाई एक्सिस का काम करता है। तो एक्स एक्सिस में मैंने क्या किया माइनस टेन दिया, तो शेडो किस तरफ फॉर्म हुआ राइट लेफ्ट साइड पर। तो फिर अभी बताते हैं आपको, और इसको नहीं 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 इसका रीजन कुछ और है। अच्छा शेडो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, मैंने इसे कम कर दिया थोड़ा, ठीक है। अब ये मैंने माइनस टेन की जगह ना इसको भी माइनस फोर कर देते हैं, तो आप देखिएगा अब ये टॉप पे चला गया, ठीक है, मसला यहां तक। अच्छा इसको कह रहे थे ना आप लोग के भाई ये थर्ड वाला किस चीज के लिए है, तो इसको मैं ना 30 कर देता हूँ। सॉफ्टनेस और हार्डनेस होती है ना शेडो की, वो यहां से कम ज्यादा होती है, सही है, मसला यहां तक, इस थर्ड पैरामीटर से एग्जैक्टली, ठीक है। शेडो की सॉफ्टनेस या उसकी हार्डनेस कहाँ से कम ज्यादा होगी, इस थर्ड पैरामीटर से, ठीक है। अच्छा ठीक है, आपने ऐसे भी थोड़ा सा ना 20 कर दिया थोड़ा सा मजीद। और इस फोर्थ पैरामीटर से क्या होगा जरा देखना, इसको मैं कर देता हूँ 50। अगर आप चारों ना चारों तरफ शेडो हो, आपको कह रहे थे ना कि भाई दो मल्टीपल टाइम्स शेडो हो, ठीक है, तो अगर आप चारों चारों तरफ शेडो हो तो आप इसे 50 कर दो। लेट से मैं इसको 20 करके और माइनस का तो कोई जीरो होता ही नहीं है आज तक, जीरो और कुछ इस तरह से देखें, तो फोर चारों तरफ क्या है इक्वल एक शेडो फॉर्म हो रहा है, सही है, किसी एक भी साइड कम या ज्यादा शेडो अप्लाई नहीं हो रहा। बाकी ये आप सॉफ्टनेस और हार्डनेस यहाँ से देख सकते हो, कलर आपने चेंज करना है तो यूजुअली हम क्या कौन सा कलर दे रहे होते हैं, या तो ब्लैक या तो डार्क ग्रे टाइप का जो कलर होता है ना, तो फिलहाल अभी हमने ब्लैक कलर दिया। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं शेडोज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ना दो जीरो कर दो, यह तो मसला नहीं है ना, कोई घबरा तो नहीं रहे ना इसमें, हम ये प्रॉपर्टीज पहले पढ़ चुके हैं। और अब क्या करते हैं, तुम कह रहे हो किसी एक साइड देना है मुझे, लेट से मैं चाह रहा हूँ कि ना बॉटम पे हल्का सा शेडो आ जाए, ठीक है, और इसको वन कर देते हैं, इसको जीरो कर देते हैं, इसको हम 10 कर देते हैं, इसको जीरो कर देते हैं, देख लेते तुम्हारी बात क्या है, तो कहना चाह रहे हो। ये देखो नीचे वाले जो डिव है ना इसके ऊपर शेडो अप्लाई हुआ, ये अच्छा पहला पैरामीटर भी दिया तो ये राइट लेफ्ट पे गया, और इसको दे देते हैं 5। दिख रहा है नीचे की तरफ शेडो अप्लाई हुआ था, सही है, तो ऊपर तो आएगा भी नहीं ना, या तो ऊपर आएगा या तो नीचे आएगा या तो फिर चारों साइड आता है, ऐसा नहीं आता कि कोई दो एक एलिमेंट है दो तरफ। अगर रोशनी पड़ रही है, लेट से हम अपनी मिसाल लें कोई कोई ऑब्जेक्ट रखा है और उस पर रोशनी पड़ रही है इस एंगल से, तो अगर वहां सामने रखा हुआ है ये एलसीडी है उस पर ये लाइट की रोशनी पड़ रही है तो पीछे ही शेडो फॉल करेगा ना, इसका पीछे ही बनेगा, आगे तो नहीं बनेगा, किसी एक तरफ ही बन सकता है एक, ठीक है। अच्छा फिर आप लोगों ने एक जगह और भी देखी होगी, चले ऐसा करते हैं ना, देखते हैं अपने उसी टास्क को ओपन कर लेते हैं लास्ट क्लास वाले। और वैसे कितना काम स्टार्ट हो गया, आपने ये बनाना है, आपने ये भी बनाना होगा,
नहीं, अरे इंग्लिश में कोई भी रैंडम टेक्स्ट वर्ड का फॉर्मूला यूज करते हैं ना, रैंडम टेक्स्ट वाला, वो यूज करके और वो वही टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते जाओ। बस फॉर्मेशन जो है ना, वो स्टाइल सारा जो है वो यही होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो इस तरह की सर्कुलर डिव आ रही है और हमें यूज करनी होगी दायरे, तो ये भी बन जाती है। कैसे बनेगी जी? हाँ, अगर आपको शेडो देना है तो आप शेडो अप्लाई कर सकते हो, बट वो रिक्वायरमेंट पे के ऊपर है। अगर लेट से आपका जो डिजाइन है जो आपने बनाना है, अगर इसमें शेडो रिक्वायर्ड है ही नहीं, तो फिर आप ना बनाओ, जबरदस्ती नहीं होती। मतलब फिलहाल तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है? प्रॉब्लम तो नहीं होती ना? प्रैक्टिस कर रहे हो ज्यादा? अच्छा, तो लेट से मैं बॉर्डर का नाम दे रहा हूँ उसको फिलहाल, और स्टाइल जो है मैं अलग से फाइल में नहीं बना रहा, हम यहीं पे काम करते हैं फिलहाल। हाइट दे लेते हैं जी इसको, ठीक विड्थ विड्थ भी दे लेते हैं इसको। टाइम देख रहे हो? बता दिया करो यार। बॉर्डर रेडियस यहां तक मसला कोई? ये तो सिंपल लेआउट, हमने सिंपल एक डिव बनाई है, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट, अब यहां पर वो बॉर्डर रेडियस वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, बॉर्डर रेडियस। और इसके बिना चार पैरामीटर्स होते हैं, कैसे देखना, 20, फोर्टी, 60। देखा, बीएनसी बीएनसी नहीं है। एयरफोर्स शेयर ओपन करो, गूगल अकाउंट लॉगिन कर लो अपना, और एयरफोर्स शेयर ओपन करो, वहां पे एक लिंक पड़ा हुआ है उससे ज्वाइन कर लो। हाँ, तो आप लोगों ने देखा क्या हुआ? सबसे पहले वाला जो हमारा बेसिकली पैरामीटर था ना, उसने कहाँ पे अप्लाई किया? टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। फिर क्या किया हमने? टॉप टॉप राइट पे, एग्जैक्टली। जब टॉप राइट पे किया, फिर नेक्स्ट पैरामीटर ने कहाँ किया? बॉटम राइट पे। और फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट ने किस कहाँ पे किया? बॉटम लेफ्ट पे। तो लेट से अगर मैं चाह रहा हूँ कि बॉटम टॉप राइट पर कुछ भी ना हो और बॉटम लेफ्ट पर कुछ ना हो, देखो जिस तरह से बन सकता है, अगर मैं इसको इक्वल कर दूं इवन, ठीक है। और बताते हैं अभी, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं हम। और अगर हमें सराउंड करना है, CS3 सिंपल, ये तो इंटरनल कर रहे हैं हम, क्यों नहीं होगी?
प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम बताया करो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, और मैसेज कर दिया करो जो प्रॉब्लम आया करे ना, फिर उसको देख लेंगे, उसके वाली बात नहीं है। अच्छा अभी फिलहाल यहाँ प्रॉपर्टीज सारी सेम नहीं करनी है, हमने कुछ डिफरेंट करना है। तो डिफरेंट में ये करते हैं कि ना हम सर्कुलर करते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन है सर्कुलर कैसे करते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि हम ना इस तरह से 60 60, यानी मैं यहाँ पे 60 दे दूँ, यहाँ 60 दे दूँ, और यहाँ पे भी 60 दे दूँ, और फिर इंतजार करूँ कि कब जाकर ये ना मेरी डिफ क्या हो जाए, कब जाकर अंदाजन ये सर्कल बने। लेट से मैं इसको अगर 80 80 कर दूँ, 90 90 कर दूँ, बल्कि अब मैं ऐसे वेट करता रहूं कि यार कब होगी कब होगी कब होगी, जाके 100 100 या लेट से वही जैसे तुम बात कर रहे हो दफा के, मैं इसको चेक करके 150 फर्ज कर, इसने अंदाजन बताया कि 150 कर दूं, तो मुझे इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये कर दूं कि तो चला नहीं चला, और अभी क्या हो गया, चारों तरफ राउंड हो गया ना, मतलब अभी भी लेकिन पूरा सर्कल नहीं बना। और अगर मैं इसे 150 कर दूं, सर्कल बन गया पूरा। ये बेसिकली कितने का ये सर्कल था, ये डिफ कितनी बड़ी थी, 300 300 की थी। तो जाहिर है अगर मैं 150 150 चारों तरफ से भी करता तो आराम से मेरा सर्कल फॉर्म हो जाता, ठीक है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि भाई अगर 300 पिक्सल्स की है डिफ, तो आप 150 पिक्सल्स पे भी क्या कर सकते हो, ये राउंड बना सकते हो, ठीक है। तो ट्यूसडे को इसलिए नहीं आया था क्योंकि पाँव में शदीद तकलीफ थी, तो इसलिए छुट्टी आप लोगों को शायद करनी पड़ गई होगी। ट्यूसडे को आप में से कोई कुछ कह रहा था कि आप आए नहीं, बताया बताया भी नहीं, तो ट्यूसडे को इसलिए नहीं आया था कि मेरे पाँव में बड़ी शदीद तकलीफ थी और मुझसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा था। सही, आप सबसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी 2 3 दिन पहले कुछ लोगों ने कहा कि सर वो आप आए नहीं थे, हम आए थे, और तो इसीलिए मैंने कहा कि आप लोगों की खिदमत में अर्ज कर दूं कि सर मैं जरा वो हाजिर नहीं हो सका। क्या छोड़ दिया, अच्छा तो चले फॉर्म्स देखते हैं। पिक्चर भी इंसर्ट क्यों नहीं दिखाऊं, भरोसा नहीं है आपको क्या? पिक्चर सही है, अभी इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है पिक्चर को। भाई ये कह रही है सर्कुलर डिस्क के अंदर ना इनको पिक्चर लगा के दिखानी है, तो ये देख लें पिक्चर, बैकग्राउंड इमेज सिंपल लगेगी यहाँ पर। अच्छा इसमें क्या था, ये तो कोई भी कर ले, ये तो कोई बच्चा भी कर ले। अच्छा अभी पोजीशन भी दोबारा बनानी पड़ रही है। सही है, खुश।
अच्छा फॉर्म्स को देखते हैं, फॉर्म्स किस तरह से काम करते हैं। हाँ आपने उस वेबसाइट के टेम्पलेट में ये भी देखा होगा कि आपको यहाँ कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस लगाने हैं। ये देखो, तो जाहिर है ये भी आप लोगों ने फिर पूछना होगा। बिल्कुल, तो ये हमारा टॉपिक है आज का, हमें आज करना ही था ये। जी सर, मतलब ठीक है, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे दो वर्ड्स का साइज कितना है, मतलब भाई देखो, एक तो ये होता है कि तुम अपने जो तुम्हें लिखना है उसके अंदर उसको तुम्हें पहले से अंदाजा हो कि उसका साइज ये होगा, और फिर तुम डिफ का साइज ये रखो, मतलब दो स्पेलिंग्स ना, वेबसाइट, वेब और साइट, लेट से। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है, कहीं ऐसा होता है कि इतना बड़ा बड़ा भी लिखा हुआ होता है, और कहीं ऐसा होता है कि स्क्रीन पे छोटा सा साइड में लिखा हुआ होता है। तो तुम्हें ना देखना पड़ेगा डिफ को साइज देकर कि कब वो जाके सूट कर रहा है उस टेक्स्ट के ऊपर। कभी ऐसा होता है कि 50 पिक्सल्स पे भी डिफ तुम्हारी बहुत होती है, 50 पिक्सल्स की हाइट या 50 पिक्सल्स की विड्थ भी बहुत हो जाती है इस तरह की हेडिंग लिखने के लिए, और कभी ऐसा होता है कि 400 पिक्सल्स की डिफ भी जो है वो छोटी पड़ रही होती है। हाँ डिफ के अंदर रिकॉर्डिंग बना ले, कर चुके हैं हम ये, नहीं क्या हमने इसमें तो कोई पार्ट नहीं बना के दिखाऊंगा मैं आपको। अरे तो फिर टास्क किस बात का ना, कुछ नहीं, क्या उसमें बचा ही क्या था इसको, क्या देखे थे मैंने वो टेबल सब लोगों के। फ्लोट फ्लोट कर दो। हाँ तो भाई, तो अब मसला ये है ना, देखो हुजैफा, अगर मैं हर चीज क्लास में कराने लगा ना, या मैं एक चीज बता, मैं तुम्हें एक एक, एक, एक बात समझा सकता हूँ, उसके बाद अगर तुम उसको एक्सप्लोर नहीं करोगे ना, तो तुम उतना ही आएगा जितना मैं पढ़ाऊंगा, तुम्हें उसके बाद की कोई चीज नहीं आएगी, क्योंकि तुमने उसको एक्सप्लोर किया ही नहीं। तुम कहीं आके काम करने गए, तुम तो फंस जाओगे। अगर फर्ज करो कि ऐसी सिचुएशन आ गई, क्योंकि मैं अकेले कुल नहीं हूँ, मुझे सब कुछ नहीं आता, ऐसा ही है, आता है मुझे सब कुछ, मुझे सब कुछ नहीं आता, मैं क्लास में बिल्कुल एक्सप्रेस कर रहा हूँ अपनी बात, मुझे सब कुछ नहीं आता, किसी भी इंसान को सब कुछ नहीं आता, लेकिन कभी ऐसा हो, हुजैफा, उरीदा, हुजैफा हमारे, मोहम्मद अली, वो जुनेद, कोई काम कर रहा हो फंस जाए कहीं, रुबिया कोई काम कर रही है, और जी वो क्लाइंट ने कहा रुबिया ये भी बनाना है, अब रुबिया तो भाई जो ना वो दिमाग के तोते जो है वो उड़ गए, क्योंकि आता ही नहीं है, अब समझ में ही नहीं आ रहा क्या करेंगे। ठीक है, हुजैफा साहब काम करें, क्लाइंट ने कहा बेटा ये भी कर दो, हुजैफा कह रहे हैं लो भाई ये तो क्लास में पढ़ा ही नहीं हमने, अब वो कहेगा भाई क्लास में नहीं पढ़ा तो जरूरी है हर चीज क्लास में पढ़ जाएगा, तुम्हें खुद भी सीखना चाहिए था। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अब ये ट्राई खुद ही कर लो अपने स्किल्स आपने। हाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी मैं खड़ा हूँ आप लोगों के साथ, टेंशन नहीं है, पूछे जो पूछना है, लेकिन आप कोड वोड करके नहीं दिखाऊंगा। क्या बता दें, क्या पूछ रही हैं आप बताएं, मैं आपको वो डेफ के अंदर डेफ बना के अभी दिखाता हूँ, और कोई, हाँ बिल्कुल मैं भी बना के दिखाता हूँ। ठीक है, खैर अभी फिलहाल फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो फॉर्म का एक टैग होता है जो कि ओपन होता है, और देन कंटेनिंग टैग होता है, तो इसका मतलब ये क्लोज भी होगा। ठीक है, अब इस फॉर्म के अंदर आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्सेस डिफरेंट टाइप के ले सकते हो, ऐसा टेक्स्ट बॉक्स जिसमें आप चाह रहे हो कि सिंपल एक प्लेन टेक्स्ट आ जाए। ठीक है, इनपुट, यूजर का इनपुट ले लो, उसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट। ठीक है, अगर आप उसका नेम रखना चाह रहे हो कि नेम आगे काम आते हैं, सी एस एस में काम आ जाते हैं, सी एस एस में तो कम काम आते हैं, आइडिया और क्लास काम आते हैं सी एस एस में, जेक्वेरी में, या आगे डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उसके अंदर ये नेम वगैरह काफी काम आ जाते हैं। ठीक है, एंगुलर जेएस में हम नेम के थ्रू काम करेंगे, नेम कुछ रख सकते हो आप इसका, पीएचपी में नेम ये काम आ जाते हैं। ठीक है, आपने कोई आईडी सेट कर दी लेट से, और name txt,
अच्छा, आप इसके अलावा आप क्या सेट कर सकते हो? आपने भी यहाँ देखा कि चीज दिखाते हैं आपको, आपको पता है ना, जब हम डिफरेंट जगहों पे कुछ टाइप करने जाते हैं तो हमें पहले से कुछ लिखा हुआ रहा, जैसे इसके अंदर ये टेक्स्ट बॉक्स है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, लिखना जैसे ही शुरू करूंगा तो ये फॉरन ये जो टेक्स्ट अभी आ रहा है ये चला जाएगा, है ना? पता है ये किसी को या नहीं पता? ये पता है लोगों को या नहीं पता? ये चीज है, पता है, इन्हें प्लेस होल्डर्स भी कहते हैं। जैसे आप गूगल पे भी जाओगे ना अगर, तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये चला गया, ठीक है? तो ये प्लेस होल्डर्स कहलाते हैं, तो हम भी ये प्लेस होल्डर लगा सकते हैं। कैसे लगेंगे ये प्लेस होल्डर? और लेट से मैं कह देता हूँ एंटर योर नेम और ये फिनिश। अच्छा, ये फॉर्म तो बना हुआ आ गया ना, देख ये फॉर्म तो बना हुआ आ गया, टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आ गया ये। इसको विड्थ और हाइट दोगे ना तो ये अपने आप के हिसाब से जो ना वो बड़ा हो जाएगा। बट लेट से ये स्टैंड अलोन टैग बिल्कुल बना सकते हैं, जहां चाहे आप ये फॉर्म का टैग लगा सकते हैं, ठीक है? बट लेट से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको कुछ बताना भी है, यानी टेक्स्ट बॉक्स से ऊपर भी आपको कुछ बताना है कि भाई ये इस चीज का टेक्स्ट बॉक्स है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक और टैग, और वो है किस चीज का टैग? लेबल का, ठीक है? सही, यहां तक मसला? अगर आप चाह रहे हो ये लेबल का टैग, नहीं लेबल के टैग के नीचे आए टेक्स्ट बॉक्स, तो क्या करोगे? नीचे लिखेंगे, वाह नीचे ही लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट बॉक्स का कोड है वो हमने नीचे ही किया है, अब क्यों नहीं आ रहा? स्क्रीन पे ये टेक्स्ट बॉक्स लेबल के नीचे आना चाहिए, कैसा आएगा? बताओ जरा। और कोई क्या? अच्छा, अरे ये क्यों ना दे दें? चाय पीकर आए थे ना सुबह, चाय पीकर आए थे ना उदयपुर, तो भाई ये लेवल हो गया, ये नेम था। लेट से मुझे यूजर से ईमेल लेना है, यूजर से उसकी ईमेल मुझे चाहिए, ठीक है? तो मैं ईमेल के लिए भी कुछ लिख लेता हूँ। अच्छा, जाहिर है जब बीआर की वहां पे नीड थी तो अब यहाँ पे भी बीआर की नीड होगी, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि टेक्स्ट बॉक्स जो ईमेल वाला है वो फिर नेम के नीचे आ जाए। हाँ, क्यों यूज नहीं कर सकते? एचटीएमएल अगर आप काम कर रही हैं तो एचटीएमएल के अंदर स्टाइल में नहीं, एचटीएमएल अगर आप काम कर रही हैं तो आप बीआर यूज कर सकते हैं। ये यूजर इनपुट की जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे फॉर्म्स हो गए, ये सारे टेक्स्ट बॉक्स, इस तरह की चीजें। ईमेल भी एक टाइप है, ठीक है? क्या मतलब होगा ईमेल के? ईमेल अलग क्यों हो गए हैं, मतलब आप लोगों को अंदाज़ा है? जी ज्यादा बेहतर है अगर आप इसको डिक्लेयर करते जाओ, बट ये लो चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, आप लोगों को बाद में एग्जाम्पल के तौर पे याद रहेगा कि अगर हमने इसके इसके बगैर भी बनाने तो बन जाएगा। सही है, प्लेस होल्डर दे देते हैं, एक को किसी को छोड़ देते हैं ना प्लेस होल्डर में, इसको छोड़ दें फिलहाल। आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि अगर हम बगैर इन चीजों के भी बनाएंगे तो ये बन जाएगा, फॉर्मेशन इसकी बनी हुई है, देखो अभी यहाँ पर आ जाएगी, कोई एरर नहीं होगा। आ रहा ना बना हुआ, ठीक है? तो कोई खास, तो कोई एरर नहीं होगा इसको। हाँ, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। सही, ईमेल हो गया। अच्छा, क्योंकि हमने उसको वो नहीं दिया, प्लेस होल्डर नहीं दिया हुआ। नहीं, बी आर हटा दो बस। हाँ,
सा गैप आ गया। तो दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस बराबर में रख दो, दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस बराबर बराबर रख दो। हाँ देखिए ऐसे काम क्या हम करते हैं ना, क्या कह रही है, दो कर दिए हैं तो फिर ये दोनों फील्ड बराबर बराबर आ जाएंगे। आप ये कहना चाह रहे हो नेम के नीचे लिखा हुआ नेम का टेक्स्ट बॉक्स और ईमेल के नीचे ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स, तो ये कहना चाह रहे हो ये टेबल के थ्रू होगा। टेबल के कॉलम डिफाइन करो, चार दो कॉलम्स बना दो, पहले कॉलम की हेडिंग में नेम रख दो, दूसरे कॉलम की हेडिंग में क्या रख दो, ईमेल। अब पहले कॉलम का जो टीटी है ना, नॉर्मल जो टीटीज होते हैं दूसरे टीआर के अंदर, उसके अंदर क्या करो, टेक्स्ट बॉक्स बना दो तो हो जाएगा। ठीक है, हाँ टेबल के अंदर फिर टेक्स्ट बॉक्स का वो सारा सिनेरियो करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा लेट्स से इसके बाद एक और, मैं चाह रहा हूँ कि यूजर पासवर्ड लिखना चाह रहे हैं, और पासवर्ड कैसे लिखते हैं, स्टेरिक्स में। और पासवर्ड लिखना है मैंने, तो अब ये स्टेरिक्स आएंगे, आप कुछ भी लिखोगे वहां पे क्या आएगा, समझा नहीं मैं तुम्हारी बात। बट पासवर्ड लिखना ज्यादा बेहतर है ना, यहाँ की बात कर रहे हो इधर, तुम्हारे लिए ये लो, ये है ना स्टेरिक्स, लेकिन अब तो यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं ना स्टेरिक्स, मुझे ये नहीं चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम उसमें लिखे तो स्टेरिक में लिखा हुआ है। अरे भाई ये देखो, कहने का मतलब ये है, कुछ टाइप करो तो किस में लिखा आ रहा है, वो स्टेरिक्स में आ रहा है। ठीक है, हाँ ये टाइप पासवर्ड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इनपुट टाइप पासवर्ड लेंगे तो ऐसा होगा, लेट से मैं चाह रहा हूँ सिर्फ नंबर ना आए, टेक्स्ट ना आए कोई, तो इनपुट की टाइप क्या होगी, यहाँ तक मसला। चलें एक और चीज करते हैं, क्या लिखा हुआ ये, तो यूजर अब 12 से ऊपर नंबर नहीं दे सकता। अच्छा चेक करना है आपको, आप यहाँ से जाके देखो, 12 से बड़ा हुआ है नंबर, मैं आपके सामने अभी दोबारा क्लिक करता हूँ, देखते हैं होता है नहीं होता, क्लिक कर रहा हूँ नहीं हो रहा, होंगे बिल्कुल यूजर को शो होंगे, लेकिन अगर मैं लेंथ नहीं दूंगा तो फिर ये क्या होगा, लिमिटलेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक मतलब, अच्छा चलिए एक और चीज देखते हैं, अभी खत्म तो नहीं किया ना लेक्चर मैंने, ठीक है तो लेट से आपको कैलेंडर के अंदर डेट को इंसर्ट करनी है, तो क्या करेंगे,
अच्छा उसमें प्लेस होल्डर नहीं लगाइएगा भाई प्लीज। इनपुट टाइप और खत्म। सही जी। बूटस्ट्रैप का अगर कैलेंडर यूज करोगे तो उसके लेआउट्स वगैरह फिर चेंज हो जाएंगे। बाकी इसको स्टाइल वगैरह दे सकते हो, कलर वगैरह, लेकिन वो कोई खास अप्लाई नहीं होते हैं, पर क्योंकि ये स्टैंडर्ड है एचटीएमएल का इसलिए। अच्छा लेट्स आप चाह रहे हो कि भाई कोई कलर सेलेक्ट करवाना, ठीक है, कल को आप कोई ऐसी डेवलप्ड वेबसाइट बना रहे हो उसमें आप कोई कलर सेलेक्ट करवाना चाह रहे हो, ताकि आप जो कलर सेलेक्ट करके, यूजर जो आपको कलर सेलेक्ट करके दे, आपके पास उसका वो कोड आ जाए और उस कलर की वैल्यू लेकर आप यूजर के लिए उस कलर की शर्ट डिजाइन करवाना चाह रहे हो। यूजर आपको कोई ई कॉमर्स का स्टोर है और यूजर ऑर्डर कर रहा है आपको एक शर्ट का, जो कि लेट्स से कोई ग्रीन कलर की है, येलो कलर की है, वट एवर, व्हाइट या ब्लैक कलर की है, ठीक है, और यूजर एग्जैक्टली कलर चाह रहा है जो उसको चाहिए, वो वही कलर में प्रिंट करना चाह रहा है, ठीक है। अब आप उससे देखोगे कि आपके पास उसके करीब करीब का कलर होगा तो आपके पास आप उसको दे दोगे, वरना आप उसको रिफ्यूज कर दोगे लेट्स से, तो उसको भी देखते हैं। सेलेक्ट कलर ठीक है, और मैंने कहा इनपुट टाइप यहाँ पे कोई इसको आईडी दे लो कि भाई आईडी के थ्रू आप इसका कलर सेलेक्ट करवाना चाह रहे हो, तो कलर पैलेट कहते हैं ऐसे, कलर बॉक्स नहीं कहते बाय द वे, ठीक है। आगे कलर सेलेक्ट करने के लिए बॉक्स कलर पैलेट कहते हैं, कलर पैलेट कहते हैं इसे, कलर बॉक्स नहीं कहते इसे, ठीक है। ऐसे ही रैंडम नेम दिया हमने, तो आईडी, हम आईडी तो कुछ भी दे सकते हैं ना, इसलिए सिर्फ यही बताने के लिए अक्सर मैं आईडी नॉर्मल एलिमेंट के नेम से डिफरेंट दे रहा होता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही पहले अजीब सा था, बॉक्सेस बने हुए आ रहे थे यहाँ पर, ये ब्लैक कलर, डार्क रेड कलर है, ये डार्क रेड है, ये डार्क ब्लैक है। अब ये फिर भी काफी बेहतर हो गया, यहाँ से आप पूरी रेंज सेलेक्ट करो, ठीक है, और यहाँ से आप कलर का कोई भी जो सेक्शन है वो सेलेक्ट करके ले सकते हो। मजीद ऑप्शन आपको चाहिए तो आप कोई कलर अगर आप स्क्रीन पे सेलेक्ट करना चाह रहे हो, या देखो जैसे ये मैं चाह रहा हूँ, मैं ये कलर सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो वो कलर सेलेक्ट होकर आ गया, ठीक है, तो ये भी कर सकते हो। फिलहाल हमारा एम ये नहीं है, आपने कोई कलर सेलेक्ट करना है और आप करना चाह रहे हो लेट से कलर सेलेक्ट होकर कलर पैलेट में आ गया, ठीक है। इस तरह की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं जब भी हमें कोई सिलेक्शन बनानी होती है, यूजर्स के लिए कुछ ऐसे काम करने होते हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं हम, आप लोग भी कर सकते हो, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान सा है। एक और भी होता है ना फॉर्म में, बटन, हाँ बटन प्रेस करोगे तभी तो फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। इनपुट टाइप ना सबमिट बस, ठीक है। तो आपने इनपुट टाइप क्या लिया, सबमिट, और फिर आपको उसकी वैल्यू चेंज करनी थी कि उसमें लिखा हुआ क्या आएगा, तो आपने कैसे किया, कैसे करोगे, वैल्यू से जाके क्लिक मी, वैल्यू में जाके आप क्या कर दोगे, क्लिक मी सेट कर दोगे, तो बटन की वैल्यू क्या बन जाएगी बेसिकली, क्लिक मी, ठीक है। अच्छा ये हो गया, और फिर इसके अलावा लेट से मैं ये चाह रहा हूँ कि ना टेक्स्ट बॉक्स में जब तक कोई वैल्यू फिल ना हो उसको सबमिट ना किया जा सके, टेक्स्ट बॉक्स में जब तक कोई वैल्यू यूजर सबमिट ना करे तो आप उसको फिल ना कर सको, वैलिडेशन होती है बेसिकली ये कुछ,
रिक्वायर्ड लिख दो बस यहाँ पे। और अब ये देखो आप बगैर कुछ लिखे सबमिट कर दो। अरे ये फॉर्म विदाउट फिलिंग द टेक्स्ट बॉक्स सबमिट नहीं होगा। अगर आप सब पे लिख दो यही रिक्वायर्ड जाकर, लेट्स से ईमेल वाले पर भी मैंने ये रिक्वायर्ड सेट कर दिया। बस रिक्वायर्ड लिख दो सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड। इवन आप चाह रहे हो कि कलर वगैरह में भी ठीक है, तो आप यहाँ पे भी दे सकते हो। बाकी बटन पे तो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कुछ होती नहीं है। तो अब ये फॉर्म बगैर रिक्वायरमेंट के सबमिट नहीं हो सकता, ठीक है। चलो पहली फील्ड हमने फिल कर दी, अब दूसरी फील्ड पर आएगा। ये दूसरी फील्ड भी फिल कर दी भाई। अच्छा यहाँ पर मैं ना ईमेल नहीं लिखता, बस असद लिखता हूँ, सिर्फ टेक्स्ट लिख के सबमिट कर रहा हूँ, देखना क्या होगा। क्या एरर दे रहा है मुझे ये, क्यों दे रहा है एट द रेट का एरर ये, क्योंकि मैंने वहाँ पे टाइप क्या यूज की थी, एग्जैक्टली मैंने टाइप यूज की थी वहाँ पर ईमेल की, तो इसलिए जब तक मैं यहाँ पर एट द रेट और वो जो ईमेल में हम कंस्ट्रेंट्स यूज चीजें यूज करते हैं जब तक मैं वो यूज नहीं करूंगा ये फर्दर प्रोसीड आगे नहीं करेगा और मुझे करने भी नहीं देगा, ठीक है। अगर पासवर्ड में मैं कुछ नहीं लिखूंगा तो आगे प्रोसीड नहीं कर पाऊंगा, अगेन नंबर्स भी कुछ नहीं दे पाऊंगा तो भी आगे प्रोसीड नहीं कर पाऊंगा। लेट्स से मैंने 5 लिख दिया, 5th ऑफ मंथ है, कैलेंडर भी मैंने कुछ रैंडम वैल्यूज, ये पूरा फॉर्म फिल करेंगे तो ही सबमिट होगा। अब अभी तो फिलहाल मैंने इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं की हुई, कि मैंने इसमें कोई डेवलपमेंट की होती और ये फॉर्म मुझे किसी डेटाबेस के अंदर वैल्यू सबमिट करके दे रहा होता। बट अभी जो है आप देखेंगे कि ये ईमेल के अलावा कोई और एरर शो नहीं करेगा। क्लिक करो और अब ये फॉर्म क्या हो गया, रिफ्रेश हो गया। पहले फॉर्म रिफ्रेश हो रहा था, नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि ये फॉर्म बेसिकली फिल नहीं हो पा रहा था, सबमिट नहीं हो पा रहा था। तो अभी फिलहाल सबमिशन पे ही सिर्फ रिफ्रेश होगा, लेकिन आप आगे जाके क्या कर सकते हो, जब आप डेवलपमेंट सीख जाओगे तो बाकायदा ये फॉर्म कई वैल्यूज को सबमिट और डेटाबेस में वैल्यूज को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी टेक्स्ट बॉक्स को, ये नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स को करें बड़ा, चलो करते हैं। आईडी से करने मसला तो नहीं है, अभी अभी कुछ बेहतर हुआ, अभी तो मैं रुका हुआ ना, मैं खुद कुछ नहीं कर रहा भाई, क्या हो गया। अच्छा खैर हाइट कर लेते हैं, हाइट लिखा हुआ नहीं आ रहा, इसकी प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट एरिया की। अरे हाँ यही मैं बोलूं, अच्छा दिल आया यार, क्या हुआ, कहीं तो चल रहे थे ऑर्डर,
दे सकता है। हाँ तो भाई देख लिया आप लोगों ने, हो गया ये मसला हल, ठीक है। किसी केस को देख सकते हो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा थोड़ी सी पैडिंग दे लो। इसका फायदा क्या होगा, ये जो टेक्स्ट है ना थोड़ा सा, जैसे आप लोगों ने पिक्चर में देखा होगा कि यहाँ पे देखो टेक्स्ट ना, टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर थोड़ा सा बाद में शुरू हो रहा है ना। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है, इन्होंने थोड़ी सी पैडिंग दी हुई है, ऐसे आप भी दे सकते हो, ठीक है। इन्होंने हाइट विड्थ कुछ सेट नहीं की भी, इन्होंने थोड़ी पैडिंग बढ़ाई हुई है, तो ऑटोमेटिकली टॉप से लेफ्ट से और बॉटम से गैप को इंक्रीज कर दिया इन्होंने। जैसे हमने पैडिंग बढ़ाई है ना थोड़ी सी, देखो यहाँ पे हमने पैडिंग दी है कितनी, 20 पिक्सल्स। अगर मैं हाइट को, अरे कम नहीं की भी पैडिंग इन्होंने दी हुई है थोड़ी सी पैडिंग, वरना क्या होता है बाय डिफॉल्ट कहाँ से टेक्स्ट मिल रहा होता है, बिल्कुल अपनी बॉर्डर लाइन से मिल रहा होता है, ठीक है। अभी हमारे केस में नहीं, अभी हमारे केस में देखो मिलेगा नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा गैप से स्टार्ट हो रहा है, हो रहा है स्टार्ट, उसी पिक्चर की तरह हो रहा है ना ये देखो, इसी पिक्चर, इस पिक्चर में भी ऐसे ही हो रहा है ना। तो मैंने कब राइट से पैडिंग दी है, मैंने तो सिर्फ पैडिंग दी है, ना लेफ्ट ना राइट कुछ भी नहीं, सिर्फ पैडिंग, सही है जी। क्या मतलब, वो डिफ के अंदर उन्होंने खुद स्टैटिकली बनाया हुआ होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यहाँ तक मसला। अच्छा लेट से तुम लोग चारों टेक्स्ट बॉक्स को कोई कलर दो, टेक्स्ट बॉक्स को कलर दो ब्लैक कलर का, सुनो भाई बिलाल तुम चारों टेक्स्ट बॉक्स को कलर दो ब्लैक कलर का, और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है व्हाइट कलर से लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करोगे, हम ये करेंगे कि हम बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर देंगे, कलर को क्या कर देंगे हम, सही है। तो ये कर सकते हो, क्योंकि तुम लोगों के केस में ना कलर कौन सा है इसका, व्हाइट नहीं है ग्रे है देखो हल्का सा, इसीलिए बताइए ये बात, ठीक है, इसीलिए बताइए ताकि उस दिन मुझे परेशान ना करो। बटन को भी देख लो भाई, बीच बीच क्लास में ये ना कहे ना लोग आकर के हमने तो पढ़ा ही नहीं अभी है, तो दफा फिर खुद बताओ ना, अजीब सा लगता है, मतलब लगेगा कि यार हमने तो पढ़ाया ही नहीं यार, मतलब क्या हो रही है। बटन सबमिट के नाम से बटन क्लास दे दी है, असल में गूगल मीट की वजह से इंटरनेट जो है ना वो काफी ज्यादा कंज्यूम होता है। जी फॉर्म के टैग में बटन था ना हमारा, उसको हमने क्लास दी, अब हम सीएसएस के अंदर आके उसकी सीएसएस टाइप कर रहे हैं। मैं तो कुछ टाइप ही नहीं कर रहा, जब मैं रुका हूँ तो जाहिर है वो रुकेगा ना यार। हाइट हो गया लेट से 50 पिक्सल्स, विड्थ 100 पिक्सल्स, ठीक है। बटन देखो हुआ, बटन लार्ज हुआ थोड़ा, जी बटन लार्ज हो गया ना, बटन आपको लार्ज तो नजर नहीं आया, तो भाई बटन क्या हो गया, वापस कर दे, ज्यादा ही स्लिप हो गई भाई, बटन लार्ज हो गया कह रहा हूँ, लोगों को नजर ही नहीं आ रहा भाई, तुम्हें नजर आ रहा है, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा अभी क्या करना है मुझे, मुझे ना इसको भी बैकग्राउंड कलर और कलर प्रोवाइड करना है। एक तो ये इसकी विड्थ कम है और हाइट ज्यादा ही हो गई है, हाइट कम कर देते हैं, 30 कर देते हैं ना, पूरा स्क्वायर नहीं बनाना, नहीं पूरा स्क्वायर नहीं बनाना,
कलर देखो तो जरा, कलर आया नहीं आया, कलर आया नहीं आया, कलर की प्रॉपर्टी आई अभी बटन की? बिलाल तुम बताओ, कलर की प्रॉपर्टी आई? आ गई ना, तो वही तो टाइप किया मैंने, देखो तो गौर से, तो वही तो टाइप किया, उसके बाद तो कुछ किया भी नहीं है। सही है भाई, मसला तो नहीं आता। हाँ ये कहीं ऐसा ना, उस दिन समझ रहे ना आया खत्म, उस दिन फिर लोग कह रहे होंगे हमने तो पढ़ा ही नहीं था, समझा ही नहीं था हमने। बिल्कुल ठीक है, बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं हम यहाँ पर, बॉक्स शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब वो अप्लाई इधर खुद से करिएगा तो पता चले। जी सर, सर ये टैग के अंदर रखा हुआ है, ये पिक्चर पे जो लिखा हुआ है, ये भी लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को। बिल्कुल सही कहा तुमने, बस कौन था ये एक्सप्लोर द वर्ल्ड वाली जो बात है ना, ये क्या है, पूरी डिब है ठीक है, और ये टेक्स्ट है उसके अंदर सिंपल, इन्होंने हेडिंग पैराग्राफ और बटन दिया हुआ है, बस एरो कहाँ दिया हुआ है। अच्छा ये तो देखें, इस ये जो डिब है ना, ये बेसिकली स्लाइडर है, यहाँ पे इन्होंने कैरोसेल यूज किया है ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे कैरोसेल यूज नहीं करना, हमने सिर्फ पिक्चर बनानी है, हम बूटस्ट्रैप में कैरोसेल पढ़ेंगे, अभी हमने बैर कैरोसेल पढ़ेंगे। कहाँ लिखा हुआ है क्या, कहाँ सबसे ऊपर, देखो माउस बटन नहीं है, ये तो टेक्स्ट लिखा हुआ है। हाँ ये जो सर्च का बटन है ना, ये टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नहीं आता, ये बराबर में लगा हुआ है, इसके आइकन लगाते हैं ना सर्च का, ये ना भी लगा हुआ तो खैर है, कम से कम पता तो चले ना कि टेक्स्ट बॉक्स बना दो या कुछ भी, या टेक्स्ट बॉक्स ना भी बनाओ ना तो आप बस ट्रैवलिंग लिख दो, नहीं ट्रैवलिंग लिख दो बस, हटा दो हटा दो, जरूरत नहीं है भाई, कोशिश करनी है कि आप 100% कॉपी करो, बट जैसे भी वो सर्च वाला बटन है, जरूरी नहीं है ठीक है, मुझे पता है तुम नीचे बटन लगाने आते हैं, तो वो नीचे लगा के अपना आर्ट दिखा सकते हो, तो वो मसला नहीं है, मैं उसको कंसीडर कर लूंगा। क्या नहीं देना, वेबसाइट तक दोगे भाई, आपने ये वेबसाइट स्टार्ट करनी है, सब लोग सुने, आपने वेबसाइट जो है वो स्टार्ट करनी है कहाँ से, ये जो व्हाइट कलर का बना हुआ है ना ट्रेवलिंग वाला सेक्शन, ऊपर देखें, ये जो ऑरेंज वाला सेक्शन है, ये तो उस वेबसाइट का सेक्शन है जहां से मैंने ये टेम्पलेट उठाया है ठीक है, ये जो व्हाइट वाला सेक्शन है ना, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। ये टेम्पलेट कैसे लिखा हुआ आएगा भाई, आप ये ट्रेवलिंग लिखेंगे, उसके बाद एक लिस्ट बनाएंगे, उसको क्या कर देंगे डिस्प्ले इनलाइन करके एक लाइन में कर देंगे, थोड़ी थोड़ी सी मार्जिन दे दीजिएगा, तो ये एलिमेंट्स आप एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, थोड़े आपस में सेपरेट हो जाएंगे, उसके बाद बटन लगा दीजिएगा, फिर अगली डिप में आके नीचे वाला सेक्शन में आना है। कौन सा एरो मेरे भाई, ये स्लाइडर नहीं है, तुम बैकग्राउंड इमेज लगाओगे तो बैकग्राउंड इमेज, कभी तुमने एरो देखे हैं? नहीं देखे तो बस एरो नहीं बनेंगे, पता नहीं। मुझे बता रहे भाई, तुम वहां पे क्या कर रहे थे, तुम वहां पे क्या कर रहे थे, ठीक है भाई, तो इतना करें, थोड़ा सा गैप करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं।